आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हर दिन ये रियलाइज कर रहे हैं कि क्या क्या गलतियां, और कई सारे बच्चे चार चार घंटे ढाई ढाई घंटे वेस्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट उनको ये चीज की रियलाइजेशन है, एंड दैट्स अ वेरी गुड पार्ट। अब वही सोचो, अगर आपने वही चार घंटे अपने किसी वीक टॉपिक पर लगाए होते, पेशेंटली मैथ्स में ही लगाए होते, एक एक क्वेश्चन को आपने दे दिया होता भाई 15-15, 20-20 मिनट क्या चला जाता। तो आप ये चीज याद रखिएगा बेटा कि जिस समय आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं उसी समय आपका दूसरा कॉम्पिटिशन हो सकता हो दिन रात मेहनत कर रहा। तो कभी भी अगर आपको, अब देखो पहला फ्रंट था जहां पर आपको ये रियलाइज होना कि पूरे दिन को आप एक बार जरूर देखें कि आपने कहां समय बर्बाद किया, और अगर आप पूरे समय को देखने के बाद ये रियलाइज कर पा रहे हैं, दो तीन दिन से रियलाइज कर पा रहे हैं, अब दूसरा एडिशनल फैक्टर ये डालिएगा कि हमारे पास समय बहुत कम है और यू कैन नॉट अफोर्ड दिस, आप इतना समय बर्बाद करना हर दिन नहीं अफोर्ड कर सकते। और फिर बात है फिर वही गिल्ट मोड में जाना कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, आपकी स्पीड ज्यादा है, क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, बहुत सारी इश्यूज। तो अगर आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर जाते हैं बेटा, यहाँ से सिलेक्शन आ जाएगा। वही जो आपके दो ढाई घंटे हैं बेटा, दैट इज गोइंग टू क्रिएट द चेंज। उस पर कंट्रोल लाने की कोशिश करिए, उस पर धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रहा एक ही दिन में होगा ये काम, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, और जो बच्चे मेरे को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं बेटा, इट विल टेक टाइम, बट यस अगर आप उस रास्ते पर चलना स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस है कि वो रास्ता कवर अप। मैं नहीं चाहता कि आप नवंबर में जाके जागे और फिर जब नवंबर में जागे तो फिर आपको समय कम लगे, आप अभी से कोशिश करिए कि आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर जाने की धीरे धीरे स्टार्ट करें। समय बर्बाद कीजिए, आपसे क्वेश्चन नहीं होते कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कई क्वेश्चन टफ होते हैं, कई क्वेश्चन में आपकी लर्निंग होती है, बहुत सारी चीजें हैं भाई, कई बच्चे उसमें डाउट करने लग जाते हैं, ये नहीं देखते कि हमारा कहां पर किस फ्रंट पर हमें मेहनत करनी है। आपसे सवाल नहीं बन रहे कुछ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां से आप सीखने की कोशिश करें, लेकिन आप फालतू समय अगर अपना काट के डाल देंगे अपने प्रैक्टिस पर, आपको अपने आप इंपैक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हर दिन एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा भी वेस्ट कर रहे बेटा, आप एक घंटे में एटलीस्ट आप अपना एक चैप्टर के नोट्स को ऊपर से देख सकते थे, आप कितना बड़ा चेंज छोड़ रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, एंड आई होप आप सभी लोग, ठीक है आपने सर मैंने 3-4 घंटे वेस्ट किए, मैंने ये करा, सर लेक्चर तो 9 में ही होगा, क्या 9 में ही होगा, आप सभी लोग बस ये कोशिश करिएगा धीरे धीरे हर दिन रियलाइज करो और उस टाइम को मिनिमाइज करो। देखो वेस्ट होगा, लेकिन यस इंटेंशनली वेस्ट मत करिए, रिस्पॉन्सिबली वेस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने ब्रेक लिया, कई बच्चे कहते सर मैं आधा घंटा सो गया, अरे कोई दिक्कत नहीं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने मेहनत करिए, थकावट होगी, शरीर है भाई, आप सो सकते हैं आधा घंटा, उसका रिग्रेट मत करिए। कई बच्चे ये भी कमेंट करते हैं सर मैं ज्यादा सो गया, मैं सर ये हो गया, मेरे को बीमार हूं सर, मैं अपना मैक्सिमम पोटेंशियल, इन सारी सिचुएशंस में कोई भी अपना मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं दे सकता, इस पे जबरदस्ती स्ट्रेस आउट नहीं करना। आपको ये चीज फील होनी चाहिए कि आप जहां पढ़ सकते थे आपने या तो दोस्तों के साथ बकैती कर ली, घूमने चले गए, मेरे को घर का काम आ गया, सर मम्मी ने भेजा, मेरा आधा घंटा वेस्ट हो गया। नो, आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ पढ़िए, उस दिन भी पढ़ोगे, वहां पर आप 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे बैठने की कैपेसिटी रखोगे, क्योंकि